द्वितीय वर्ष में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में आज हम तथ्यों के प्रकार एवं स्रोतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तथ्य कहते किसे हैं। तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं, जिसके द्वारा सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, तथ्य कहलाते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, लक्ष्य होता है। व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्यकारण संबंध को जाना जा सकता है। कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारण एवं प्रभाव को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य तथा द्वितीयक तथ्य। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक तथा कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन क्षेत्र अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से तथ्य दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तथ्य को परिभाषित करें तो वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। रॉबर्टसन राइट ने लिखा है कि वे तथ्य प्राथमिक तथ्य होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित प्रथम बार एकत्रित आंकड़े, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। श्रीमती पी वी यंग लिखती हैं कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिन्हें संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन या तो शोधकर्ता स्वयं करता है या अपनी देखरेख में अपने सहायकों से कराता है। इस प्रकार की सामग्री या तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। द्वितीयक तथ्य, वे सभी सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध हैं, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, पांडुलिपियां, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर,
प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दैत्तिक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य पहले से ही संकलित किए होते हैं। श्रीमती पीवीएन के अनुसार दैत्तिक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों के एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो, या जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया है। स्पष्ट है कि दैत्तिक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो, दैत्तिक तथ्य कहलाते हैं। प्राथमिक तथ्य व दैत्तिक तथ्यों में अंतर। प्रथम अंतर, वास्तव में प्राथमिक और दैत्तिक तथ्य सापेक्ष हैं। किसी अध्ययन में कौन से तथ्य प्राथमिक और कौन से तथ्य दैत्तिक होंगे, यह शोध के लक्ष्य से संबंधित है। एक शोधकर्ता के लिए जो तथ्य प्राथमिक हैं वे ही अन्य शोधकर्ता के अध्ययन में प्रयुक्त होने पर दैत्तिक कहलाएंगे। प्राथमिक तथ्यों को दैत्तिक तथ्यों की तुलना में अधिक मौलिक माना जाता है, क्योंकि इनका संकलन स्वयं शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इस मौलिकता का दैत्तिक तथ्यों में सापेक्ष रूप से अभाव पाया जाता है। दूसरा अंतर, प्राथमिक तथ्य दैत्तिक तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इन्हें शोधकर्ता अपनी प्राकल्पनाओं के परीक्षण हेतु अथवा अध्ययन विषय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से स्वयं या अपने निर्देशन में संकलित करता है। ये तथ्य ऐसे होते हैं जिनका अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। तीसरा अंतर, प्राथमिक तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्र किए जाने के कारण नवीन होते हैं, जबकि दैत्तिक तथ्य पूर्व में किए गए अन्वेषणों के अंतर्गत संकलित किए जाने के कारण पुराने होते हैं। प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है, जबकि दैत्तिक तथ्यों का उपयोग बार बार किया जाता है। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि दैत्तिक तथ्य अन्य तथ्यों के द्वारा एकत्रित या उपयोग में किए होते हैं। इसके आगे तथ्यों के स्रोत जो हम अगले अध्याय में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।